the psychologists take reasonable steps to ensure that the assessment procedures may have been done correctly accurately and ethically what would be the appropriate basis for assessment is very much important to understand psychologists base the opinions contained in their reports recommendations and diagnostic or evaluative statements on information टेक्निक सफिशेंट टू सबस्टेंसिव देअर फाइंडिंग्स वेन एवर वी आर गोइंग टू डू एनी प्रोसीजर वेयर असैसमेंट इज रिक्वायर्ड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू डू दैट एथिकली एंड करेक्टली लाइक एक रिपोर्ट में हम फाइंडिंग्स बता रहे हैं कि इतने परसेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिप्रेस हैं या एग्जाइटी प्रोन हैं या स्ट्रेस्ड हैं या उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या हम जनरल पॉपुलेशन के अंदर इंसिडेंस एंड के रेट्स बता रहे हैं सो ऑन व्हाट असेसमेंट बेसिस वी आर क्लेमिंग दीज बिग स्टेटमेंट्स दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जिन चीज़ों के ऊपर बेस करके हमारी वो असेसमेंट हो रही है वो असेसमेंट हमारी करेक्ट होनी चाहिए और एथिकली हमें क्या टूल्स यूज करने चाहिए जिनकी बेसिस के ऊपर हम कह सकें कि ये रिलायबल और वैलिड हैं और इनके जो रिजल्ट्स हैं दे कुड बी जनरलाइज्ड एंड डिस statements could be clearly given. Psychologists provide opinions of the psychological attributes of the individuals only after they have adequately observed individuals to support their conclusion. Let's say uh, hum ek instrument use karte hain और हम कहते हैं कि उसके जो results हैं वो बहुत valid और reliable होंगे. लेकिन वो results जो हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स uh, या इंडिविजुअल की उस ऑब्ज़र्वेशन के साथ मैच नहीं करे तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आयदर वो जो टूल हम यूज़ करें हैं वो करेक्ट है क्या वो कल्चरली अप्रोप्रिएट है कहीं वो इनवैलिड तो नहीं है इस इंडिविजुअल की एज रेंज के लिए इस जेंडर के लिए इस पॉपोलेशन के लिए और हम उसके बाद ऑब्जरवेशन से उसे कोरिलेट करके फिर हम उसको uh, कोई स्टेटमेंट दे सकते लेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट हैज़बीन प्रोड्यूस्ड अगर हम वेज़ की बात करें तो वेज़ के अब कितने रिवाइज वर्जन आ चुके हैं और उसमें जो पॉपुलेशन जिस पर हम अप्लाई कर सकते हैं उसकी एज रेंज जो है वो ओवर द यर्स इनक्रीज हुई है इन अ सिंपल वर्ड्स आई कैन से आज एक दो साल के बच्चे के पास वो इन्फॉर्मेशन है जो आज से बीस साल के पहले जाके देखें तो एक नौ साल के बच्चे के पास थी तो टेस्ट की जो एज लिमिट और टास्क हैं वो उस ग्लोबल चेंज के साथ इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में इंटेलिजेंस के प्रीव्यू में रिवाइज हुए अब अगर आज मैं एक आ, ऐसा वर्जन यूज़ करती हूँ वेज का एक पॉपुलेशन के ऊपर जिसमें एक टू इयर्स का जो इंडिविजुअल है एक इन्फेंट है उसके ऊपर मैं एक पुराना टेस्ट यूज़ करती हूँ जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड की गई हैं तो उसके ऊपर उस बच्चे का शायद स्कोर 150 से अबव हो जबकि वो एक नॉर्मली एक एवरेज इंटेलिजेंट बच्चा हो सो आई हैव टू सी कि आइदर माई ऑब्जर्वेशन इज़ गोइंग टू बी एक्यूरेट विद डैट या मैं एक थोड़े से स्लो लर्नर का टेस्ट कर रही हूँ और उसका टेस्ट भी जो है वो एक एवरेज इंटेलिजेंस का आ रहा है जस्ट बिकॉज दैट टेस्ट इज इनकरेक्ट सो आई नीड टू गिव माई पर्सनल वैल्यू माई पर्सनल सनल ऑब्जर्वेशन दट इट शुड मस्ट बी कोरिलेट विद द टेस्ट असैसमेंट रिजल्ट इफ इन अंसल्टे और सुपरविजन इंडिविजुअल एग्जामिनेशन इज नॉट नसेसरी फॉर द ओपिनियन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन इट एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच द बेस देयर कंक्लूजन अगर इस तरह की इंडिविजुअल वन टू वन असमेंट करना उस सैनारी में पॉसिबल नहीं है तो हम अपनी ऑब्जरवेशन और अपनी असेसमेंट को कंक्लूड इस तरीके से करेंगे कि वो जस्टिफाई हो लाइक like हम ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट इस एज के बच्चों के लिए वर्ल्ड वाइडली यूज़ हो रहा है ये एक वैलिड और रिलायबल टूल है जिसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे कि व्हाट डज़ इट इज़ रिलेटेड विद असेसमेंट और इसको देखना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है तो हम अपने रिजल्ट को कंक्लूड जो है वो इन uh, बेसिस पर भी कर सकते हैं Then when and where the use of assessment is required. Psychologists adapt, administer, interpret, or use interviews, tests, and instrument in a manner appropriate for usefulness and proper application of techniques. At times we need to go for telephonic service. At times in COVID, we need to go for web service. At times we need to go actually for web surveys because we wanted to see. Customer satisfaction for certain product, then hum a one-to-one -one and face-to-face -face interviews karte hain Pir group settings ke hum log interviews surveys So they could be the different scenarios in which we are going to use the assessment technique and tools Psychologists use instruments whose validity and reliability have been established for use With members of population which are being in research वेलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एक सेटिंग के इंडिविजुअल्स एक कल्चर के इंडिविजुअल्स से किसी और कल्चर के इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट हो सकती है मे बी कि कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसके कुछ आइटम्स एक स्पेसिफिक कल्चर के लोगों के लिए तो मीनिंगफुल हों लेकिन दूसरे कल्चर के लोगों के लिए ना हों फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर हम कोई एक ईटिंग एटीट्यूड का टेस्ट देखते हैं जैसे ईट ट्वेंटी सिक्स है इट कंटेन्स आइटम कि मैं छुरी और कांटे से खाता हूँ आई ईट विद विद इन अ सर्टन मैनर राइट अब वो मैनरिज़म इट कुड भी डिफरेंट फ्राम बर्न कल्चर टू अनादर अगर हम अपने पाकिस्तान के एक स्पेसिफिक सनारी में देखें तो मे बी वहाँ पर हमें छुरी और कांटे का इस्तेमाल इस तरह से नजर ना आए जिस तरह से हमें वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर बहुत कॉमनली दिखाई देता है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो आइटम्स जो हैं उनको हमें मॉडिफाई करना या उनकी रिलायबिलिटी और वेलिडिटी को असेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा या इसी तरह हम अपने कल्चर के हिसाब से बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं जो दूसरे कल्चर्स से डिफरेंट होती हैं और उनकी लाइट में हम आ, अपने आइटम्स को मॉडिफाई करते हैं या इंडिजनसली डेवलप करते हैं दैन साइकोलॉजिस्ट यूज असेसमेंट मेथड्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू एन इंडिविजुअल्स लैंग्वेज प्रेफरेंस एंड कंपिटेंस अनलेस द यूज ऑफ आल्टरनेट लैंग्वेज इज रेलिवेंट टू असेसमेंट इशूज बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज में बने होते हैं विच इज़ कॉमन टू अस लाइक जो इंग्लिश में बने हुए टेस्ट हैं वी जनरली एज्यूम कि हम इनको कर सकते हैं ईजिल फिल या हमारी पॉपुलेशन इनको समझ सकती है बट नॉट ऑल ऑफ दैम इवन द लिटरेट पॉपुलेशन में नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रो वर्ब्स एंड वर्ब्स विच आर बींग यूज इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन वेस्टर्न मेड टेस्ट तो वहाँ पर हमें उन्हें सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत है और जनरली हम ट्रांसलेटेड वर्जन अडाप्टड वर्जन यूज़ करते हैं क्वेश्चन के ताकि हमारी इंडिजिनस पॉपुलेशन उनको अंडरस्टैंड कर सके और जहाँ पर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम रिप्लेस कर सकते हैं लाइक like चर्च को हम मस्जिद से रिप्लेस कर सकते हैं या हम वहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर को मे बी अपनी किसी सिंपल uh, जो है वो सोशल एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट सो वी नीड टू अडेप्टैम वी नीड टू ट्रांसलेट दैम अकॉर्डिंग टू आवर इंडिजनस पॉपुलेशन For their better understanding. Then, informed consent in assessment is also very important. Psychologists obtain informed consent for evaluation, diagnosis, services, as well as assessment. They inform persons with questionable capacity to consent or for whom testing is mandated by government regulation or law about the nature and purpose of proposed assessment services. So, whenever we are providing any kind of assessment, let's say uh, if we are going to assess a child formally for autism in a center, we need to get consent from the parents that if we are going to test your child and we are going to include his name in a repository as an autistic child for this state, you are not going to mind that, right? So, we have to see that when our, whenever the assessment is involved, a formal procedure of assessment is involved. वी नीड टू सीक एंड इन्फॉर्म कंसेंट टू टेक दैट डाटा कुड बी यूज फर्दर इन एनी रिलेटेड मैनर और उसको हम सिक्योर uh, करते हैं बाय सीकिंग एंड इन्फॉर्म कंसेंट ताकि हमें लेटर ऑन उस पर कोई कम्प्लेन ना आए कि जी इसकी वजह से आपने अपने स्टेटिस्टिक्स में uh, हमारे पार्टिसिपेंट का नंबर इंक्लूड किया ऑल द वो नॉनीमस होगा लेकिन स्टिल ऑफकोर्स दैट दैट विल भी कॉन्ट्रब्यूट इन गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन एच आई वी पॉजिटिव इंडिविजुअल अगर हम हॉस्पिटल uh, सेटिंग की बात करें तो इस वक्त सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो जब एक रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट आता है उसे ही ट्रीटमेंट देते हैं सो so, अगर कहीं हमने असेसमेंट में ये देख लिया कि एच आई इज पॉजिटिव तो देन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इंडिविजुअल एंड वी हैव टू गेट हिम रजिस्टर्ड फॉर सीकिंग फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क विद रिलेटेड टू असेसमेंट एंड इन्फॉर्म कंसेंट